Hello people, so it's the day after Waleema and I don't know कि हम लोग आज जा रहे हैं कल जा रहे हैं। मेरे अम्मा अब्बा तो आज ही जा रहे हैं बट मैंने मामू वगैरह के साथ जाना है। जिस तरीके से आई थी उसी तरीके से जा रही हूँ। द ओनली डिफरेंस इज कि अब जो ब्राइड है रानिया वो हमारे साथ नहीं है। तो आई डोंट नो व्हाट एल्स टू से बट अभी हमें ना एक जगह इन्वाइट किया हुआ है, एक फैमिली ने अपने घर इन्वाइट किया हुआ है फॉर लंच, तो हम लोगों ने उधर जाना है और हमने ब्राइड को बाय बाय भी करने जाना है। और शी हैज मेनी काम एंड नोबडी नोस व्हाई शी इज स्टेइंग 3 डेज। आई शुड लीव टुडे? नो। व्हेन शुड आई लीव? लीव आफ्टर 10 डेज। ओह, यू वांट मी टू स्टे हियर? बिकॉज़ आई एम गोइंग मार्च 9। ओह, आई शुड, सो आई हैव I have 39 days left. I should go on March 9th. Yes. Oh, okay. Hello, baby. Hello. 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 Now say hello. ये तरीका इसका hello बोलने का। ओके लोगों, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें लंच पे बुलाया हुआ कहीं पे, तो अभी हम उनके घर आए हुए। देयर हाउस इज़ सो प्रीटी माशाल्लाह, बाय द वे माशाल्लाह बाय द वे। और जो न्यूली वाइड्स हैं उनको भी इनवाइट किया हुआ था तो वो भी आए हुए हैं, तो वो अभी सब बड़े नीचे बैठे हुए हैं और बच्चे जो हैं वो सारे इधर हैं। और अभी बस हम लोग खड़े हुए हैं और वैसे हम लोग छत का व्यू इंजॉय कर रहे हैं और देखते हैं कि खाना कब खाते हैं। मामा पापा ने आज ही निकलना है और मैंने मामू मामी के साथ कल निकलना है होपफुली। तो वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। एक बच्चा मेरी एक्टिंग कर रहा है। ओके गाइस, तो हम लोग खाना खा के आ गए जहाँ से मैंने आप लोगों को बताया था। अभी हम सोच रहे थे कि ब्राइड के घर चले जाएँ वैसे ही जस्ट टू मीट विद देम। मामा पापा निकल गए हैं, मोस्ट ऑफ द गेस्ट्स हैव लेफ्ट, जो जो जहाँ से आए हुए थे लाहौर से और इधर उधर से। तो ये पोर्शन इतना खाली लग रहा है एंड इट इज़ सो डिप्रेसिंग। मुझे ये पार्ट इतना बुरा लगता है बिकॉज आई वेंट थ्रू दिस जब मेरी बहन की शादी हुई थी और इधर ही हम लोग रहे थे, इसी पोर्शन में ही उनकी शादी हुई थी एंड इट वाज सो डिप्रेसिंग के लिटरली सारे चले गए थे और हम लोग एंड पर रह गए थे बिकॉज वी हैड टू ऑफकोर्स क्लियर सम थिंग्स आउट और आई डोंट नो। और अब मैं इस पोर्शन में आई हूँ और यहाँ पे कोई भी नहीं है, सब चले गए हैं, इतनी खामोशी है एंड आई एम हैप्पी क्योंकि जो ब्राइड है वो वहीं पे ही आ रही है जहाँ पे हम लोग होते हैं। हम लोग इतना दूर नहीं रहते बट द थिंग इज़ के आई डोंट नो कब से हम लोग प्लान कर रहे थे शादी एंड फाइनली इट हैपेंड एंड आई स्टिल कैन नॉट बिलीव दैट इट हैपेंड एंड शी इज़ मैरिड एंड शी इज़ विद देम एंड ओ माई गॉड आई एम जस्ट लाइक। यहाँ पे अभी ये हो रहा है, व्हाट डू यू लाइक मोर, जोनिश और ईरज और वास्ते, ये लोग सारे इस वक्त केक कर रहे हैं, बर्गर और चीज बर्गर। अभी आप लोगों को नजर कुछ नहीं आ रहा बट हम लोग सारे चिंची में हैं, बहुत अंधेरा है, बहुत अंधेरा है, कुछ आप लोगों को नजर नहीं आ रहा होगा बट अभी हम लोग जा रहे हैं दुल्हन के घर और हम लोग चिंची में। मैंने कहा चिन्नीओट आए और चिंची का सफर ना करेंगे तो हो नहीं सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो चिन्नीओट आए हुए और चिंची में ना बैठे, तो अभी हम लोग चिंची पे हैं। ये है और हमने बड़ी मुश्किल से बहुत नेगोशिएशन के बाद हमें एक मिला ही है चिंची जो कि हमें 100 रुपीज में पहुँचा दिया, तो बाकी सारे लूट रहे, बाकी सारे में लूट रहे थे। तो अब मैं वहाँ पे पहुँच के आप लोगों को बताऊंगी। मेरी कजन है रिदा, उसने ये मुझे पैकेट ला के दिया था मामा गामा का, कहती है मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आई हूँ और ये मैंने खाया, ये सीरियसली इतने मजे के है। और अभी कह रही है मैं आपको और मंगवा कर देती हूँ, ये क्रिस्पी करारी और इसका टेस्ट बहुत मज़े का है। सो अगर आप चिन्नीओट में हो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। हाँ, प्राइस इसकी पूरे 5 रुपए का पैकेट है, इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। मैं खाना खा चुकी थी बट अभी मैंने कहा मैंने नाखून से काटे गले को, मैंने कहा कि मैंने इसे टेस्ट किया, मैं इसका रिव्यू ज़रूर दूँ। सो दीज आर रियली गुड, मुझे बहुत पसंद है। अभी सारे जने पटाखे बजा रहे हैं, बच्चे सारे छत पर जमा हुए हैं। हेलो जोया, कितनी बुरी शक्ल आ गई है। और मामा गामा आ गए सारे, मामा गामा और आ गए और ये सारे बच्चे। हेलो लोगों, अभी हम लोगों ने ये बर्गर मंगवाया चिकन हट से और हम लोग अभी ये खा, ओ याला है, अभी हम लोग बर्गर खाने लगे हैं।
मैं खा चुकी हूँ, इट्स गुड। बस यही बताना था और ये इधर का ये मेरा। हेलो लोगों, तो हम लोग रात को इधर ही थे और आज ऑफिशियली हम लोग इस्लामाबाद जा रहे हैं और हम लोग नाश्ता कर रहे हैं सारे। ये फ्रेंच टोस्ट, फ्रेंच टोस्ट और साथ जूस। हाँ जी, व्हाट अ कॉम्बो। मैं ना पीछे मोए मोए गा रही है और राजोया भी इधर ही थी, वासे भी इधर ही था, मैं भी इधर ही थी और आज हम लोग फाइनली इस्लामाबाद वापस जा रहे हैं। मुझे मिली एक्साइटेड अबाउट, बट आई एम अ बिट सैड कि शादी ख़त्म हो गई है। इट इज़ व्हाट इट इज़। एंड 3 बजे की हमारी बस, कोस्टर जो भी आप लोग कह रहे हो है मैम। एंड दर्द है वो होता है यार, हमने इतना डांस कर छोड़ा। हाँ, मैंने किसी की शादी पे, मैंने अपनी बाजी की शादी पे इतना डांस नहीं किया होगा। नहीं, किसी की भी शादी पे इतना नहीं डांस कर छोड़ा। मायरा बाजी की भी शादी हुई थी, उसकी शादी पे तो हमने बस मेहंदी पे डांस किया, एक डांस किया था हमने। इस शादी में पता नहीं कुछ 6 डांस हमने, जैसे हम पहुंचे थे उस दिन से हमने शुरू किया था वलीमा तक डांस करते रहे। लेकिन इट वॉज वर्थ इट। अब हम घर वापस जाकर तो दवाइयाँ शवाइयाँ खाएंगे, टीके लगवाएंगे दर्द होंगे, लेकिन इट वॉज वर्थ इट। तो अब हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। हेलो बुरहान, बुरहान गुड मॉर्निंग, ओके सॉरी मेरा कैमरा चेंज करना हुआ है, बट अब मैं आप लोगों को कोई अपडेट जरूर करूँगी। अभी हम लोग चने बनवा रहे हैं, हम लोग पूरा चिनियोट का टूर करके अभी आ रहे हैं वापस, बिकॉज हमारी वैन आने वाली है और अभी हम ये बनवा रहे हैं। ये सारे हैं बैग्स एंड हम वेट कर रहे हैं अपनी वैन का जो कि आएगी और फिर हम लोगों ने निकलना है। ये है स्टोर जिधर हम सारी चीज़ें अपनी रखते थे और जिधर हम कपड़े इस्त्री करते थे, और ये जगह भी इतनी भरी हुई होती थी कि इधर पैर रखने की जगह नहीं थी, और अब सारा स्टोर भी खाली हो गया। और आई हैव मिक्स्ड इमोशंस राइट नाउ, बट कोई बात नहीं, ये तो होता है। फिर अभी ये सामान सारा अंदर से यहाँ पे शिफ्ट हो गया, अब देखते हैं कि हमारी जो राइड है वो कब आती है। वी रियली वांट टू गो होम टुडे बिकॉज बस हो चुकी है। हेलो पीपल, तो हुआ अभी ये है कि हम लोग जा रहे थे, हम लोग वैन में बैठे, सब कुछ हुआ, वैन अभी आई है, इट्स ऑलमोस्ट 6 PM और इतनी गैस की स्मेल थी कि हम लोग उतर गए और अब हम लोग कोई और गाड़ी का अरेंजमेंट करने लगे हैं। वी डोंट नो कि हम लोग आज जाते हैं या नहीं, तो अभी फिलहाल ये हो रहा है। हेलो वासे, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आज हमारी रवानगी थी पर किसी ने काला जादू किया है और हम ये असल में हुआ यही है जो हमारे साथ, अगर आपको पता है चिलास का, तो जो हमारे साथ चिलास में हुआ था वो अब हमारे साथ यहाँ पे। बट चक्कर ये कि यहाँ पे एटलीस्ट हमारी फैमिली हमारे साथ और सेफ है, हमारे पास खाने पीने का चीजें हैं, इंटरनेट हमें हमें जिन लोगों से हम अलाफिज ना कर सके वो भी आ चुके हैं। तो अब सारी फैमिली आ गई और सारे बड़े खुश है कि हम हमारी गाड़ी में मसला आ गया। सारों ने तालियां बजाई, जैसे हम बाहर सारे तालियां, सारे ऐसे हमें वेलकम कर रहे कि वापस आ गए, सारे इतने खुश हो गए, सब रो रहे थे जब हम जा रहे थे और सब इतने खुश हो गए। तो अभी ये हो रहा है, तो आप लोगों को अपडेट करेंगे अगर कोई अपडेट हुई। फिलहाल तो हम बैग पहन के बाहर ही खड़े हैं, देखते हैं क्या होता है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट। प्लीज सब्सक्राइब। इधर अब पंजीरी बन रही है। हाँ, ये चनियोट की सौगात है और ये बन रही है। इसको टाइम भी बड़ा लगता है ना बनने में। मैं तो बना दिया इसको, वैसे बनने में कितना टाइम लगता है? अच्छा, तकरीबन ओए होए 3 घंटे। और इसमें डलता क्या क्या है चीजें? हाँ, अब रेसिपी बताएं मुझे। देसी घी, आटा, वैसे ये 2 तरह की होती है, एक इसमें आप मैदा भी डालते हैं। अच्छा, ठीक है ना। इसको अब हमने भूनना है, इतना भूनना है कि ये ज्यादा ब्राउन नहीं करना है। इसमें जलने की स्मेल ना आए, इसके खाने में जलने का जायका ना आए। उसके बाद इसमें चीनी ऐड करनी है, उसके लिए हमने ये देखें ये लिए हैं, ये हम इसको कद्दूकस करेंगे। ये हमारी हीट है, आहिस्ता हीट, इलायचियाँ और ये सारे इसमें जो चीजें हैं, इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, ये देखें, ये पिस्ता है बगैर नमक के, ये है चीड़, इसको हम अलग घी में फुलाते हैं और ये बहुत बेनिफिट है इसके, ये बहुत ताकत वाली होती है, आपके मसल्स को ये ताकत देती है। और उसके बाद है जी चीनी,
थैंक यू। ये बादाम, ओ अच्छा, मतलब इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स दिए डाले हैं। ये एनर्जी देती है आपको बॉडी। तो ये सही देसी तरीके से इस वक्त पंजीरी बन रही है। ये मुझे जैन ने मामा गामाज दिए, थैंक यू सैन जी। में मैंने देने नहीं थे, मेरा दिल नहीं कर रहा इसलिए। लो जी, ये तो तुमने अपनी जाया करने से बेहतर ही है आके माँ हमको दे दो, फेंक दूं इधर, हाँ वरना मेरे 10 रुपए जाया हो जाएंगे ना, कितने फजूल हो तुम। इसको मैं सही गालियाँ देती हूँ, दिल की वो क्या कहते हैं से जो है ये दिया। अल्लाह माफी दे, अभी कह रहे हो फेंकने लगे थे, अब कह रहे हो कि पता नहीं कौन सी गहराइयों से दी। अब हम लोग निकलने लगे हैं और इसकी स्टेज जो है वो ऐसी है, मैंने कहा एक दफा आप लोगों को दिखा दूं। चीज लेके आया मैं, कि अब कहां जाना करता है फुफा हाउस। हेलो गाइस, इट्स 8 पीएम और अब हम लोग निकले हैं जिनियोट से, अल्लाह करे खैर खैरियत से पहुंच जाए और देखते हैं हम कब पहुंचते हैं। आप लोगों को मैं अपडेट करती रहूंगी। हम लोग अभी से थक गए, पूरा दिन हमारा वेस्ट हो गया, बट अल्लाह करे बस खैरियत से पहुंच गए। हेलो गाइस, इट्स ऑलमोस्ट 12, रात 12 बजे हम लोग अभी इस्लामाबाद पहुंचे और इधर यहाँ इतनी ठंड है कि हमने एक एक स्वेटर पहना हुआ है और लिटरली मतलब हम लोग जो है ना इस वक्त कांप रहे हैं और इतनी शदीद ठंड है। और चिनियोट में मतलब अगर कंपेयर करो तो वहाँ पे मतलब बिल्कुल भी बिल्कुल ठंड नहीं थी इसके मुकाबले में। इसने तो मेरे ख्याल से स्वेटर पहना ही नहीं और ताहा ने पूरी शादी टी शर्ट में अटेंड किया पाकिस्तान वाली। ये राफे खड़ा हुआ है, इससे पूछे ये भी आप गवाह है कि हम लोग आए हैं, मतलब हम लोग वैन से उतरे हैं और हम लोग कांपने लगे। मैंने सॉक्स भी पहनी हुई, मेरे हाथ पैर इसे फ्रीज हो रहे हैं। हम लोग तो पहले पहुंच गए, ग्रुप में मैसेज कर रहे थे कि यहाँ बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, ये सब लाफिंग मोजी मतलब मजाक से, लेकिन अभी आए हैं तो बोल रहे हैं। ओके एवरीवन, सो इट्स मोर देन 1 AM और मैंने अभी शावर लिया है और अब मैं अपने बाल ड्राई करने की कोशिश कर रही थी और मैंने अभी हुडी पहनी हुई है, मैंने कहा चलो फ्रेश हो जाएं और बैग शेक अभी ऐसे ही पड़े हुए, उनको मैं सुबह क्लियर करूँगी। एंड अब जो है, अब कुछ डेज जो है वो पोस्ट इवेंट डिप्रेशन होगा, पोस्ट शादी डिप्रेशन होगा, बिकॉज हम लोगों ने इतना इन्जॉय किया, इतना इन्जॉय किया बिकॉज हमारी ये दोनों साइडों से इतनी क्लोज शादी थी। और मैंने खास तौर पर आई डोंट थिंक मैंने किसी शादी पे इतना डांस किया होगा या इतनी मैं यू नो एक्साइटेड होंगी या इतनी मैं उछली होंगी जितने मेरी शादी पे मैंने सबको जलील ख्वार किया, बट बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। एंड आई जस्ट विश लव एंड हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी एंड एवरीथिंग गुड फॉर द कपल एंड आई जस्ट वॉन्ट देम टू बी हैप्पी एंड स्टे सेफ एंड जस्ट आई डोंट नो आई जस्ट वॉन्ट देम टू बी हैप्पी एंड जस्ट बहुत सारी दुआएं उन दोनों के लिए बिकॉज बोथ ऑफ देम आर जस्ट अमेजिंग। और हम लोग इवन वापस आ रहे थे तो मैं यही सोच रही थी कि यार इट्स अ ब्लेसिंग कि जब, क्योंकि दानिया इज़ लाइक माई सिस्टर जिसकी शादी हुई है, शी इज़ लाइक माई सिस्टर एंड द ब्रदर इन लॉ जो जिसके साथ शादी हो रही होती है वो भी आपके साथ उतना ही चिल्लो जितनी आपकी सिस्टर या आपकी कज़न चिल्लो, तो दैट्स जस्ट, तो हम लोग सारे आपस में बहुत क्लोज हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी शादी पर वो चीज़ शो हुई है और हम लोग आपस में इतने कम्फर्टेबल, इतने अच्छे, इतने खुश सारे। और मेरे कज़न्स, मेरे सारे कज़न्स एक एक का मैं नाम अगर लेना शुरू करूँ तो वही बात है कि आई डोंट वॉन्ट टू मिस आउट एनीवन, बट एक एक कज़न इतनी सब ने मिलकर रौनक लगाई है, मैं शाउट आउट सबको देना चाहती हूँ। प्लीज़ जो जो इस वीडियो में है, मैं एक एक का नाम नहीं लेना चाहती, बट सब जो मेरे कज़न्स हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला सबको खुश रखे। मैं सबकी बड़ी हूँ तो मैं सबको दुआएं शुआएँ यू नो मैं देने में बड़ी वो हूँ भाई, अल्लाह ताला दुआएँ कबूल फरमाने वाला है, बट अल्लाह ताला सबको खुश रखे, अल्लाह ताला सबको लंबी जिंदगी दे। और जब सब इन बच्चों की भी बारी आए तो हम लोग ऐसे ही सेलिब्रेट करें जिस तरह जब हमारी बारी आती है लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो बस वही बात है कि अल्लाह ताला सबको खुश रखे, अल्लाह लंबी जिंदगी दे और हम लोगों ने खूब इंजॉय किया। एंड आई जस्ट विश कि सब लोग जो जो अभी नहीं पहुँचे अपने घरों में वो भी सेफली पहुँच जाएँ। और बाकी बस अभी और भी बहुत ज़्यादा काम शाम है, अभी बैग शैग भी समेटना है, मुझे कंधों में इतना दर्द हो रहा है, मैं सोचती हूँ कोई मेडिसिन खा लूँ और फिर बस सो जाऊँ, अभी मुझे भूख भी लग रही है। एनीवेज मैं ये व्लॉग फाइनली एंड करने लगी हूँ, तो आई होप कि आप लोगों को शादी व्लॉग पसंद आया होगा। और अगर आप लोग इस व्लॉग में आए हैं, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इस व्लॉग में जो है वो पार्टिसिपेट किया है, आप लोग आए हैं और मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। मुझे सारी शादी पर कहते तुम्हें हो क्या गया, मतलब लड़की जो है उसने आना तो पिंडी है, तुम इतनी इमोशनल क्यों हुई हो, बट आई वॉज जस्ट सो इमोशनल और मैं रोने लगी हुई थी। और मेरे साथ यही हो रहा है, इट्स नॉट दैट मैं उसकी वजह से नहीं रो रही थी, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, आई लव हर। हमारा कॉन्टैक्ट ज़्यादा फोन पे होता था बिकॉज वो पहले कैरेंट होती थी, अब वो पिंडी आ रही है, वो मेरे करीब आ रही है, मुझे वो चीज़ फील नहीं हो रही, बट जितनी हमने रौनक की लगाई, जितना हमने इंजॉय किया, जितना हम इस चीज़ का शादी का वेट कर रहे थे, वो मुझे पोस्ट इवेंट डिप्रेशन बारात वाले दिन ही स्टार्ट हो गया था जब उसकी रुखसती हो रही थी, उसी टाइम ही मैं इतना रो रही, मतलब सिस्कियाँ ले लेकिन मेरे एडिट सारे जमा हो गए थे, यार इसको हो क्या गया। तो
एनीवेज आई जस्ट विश देम हैप्पीनेस, आई जस्ट विश देम लव. और आई होप कि आप लोगों ने वीडियोस एंजॉय की होंगी. प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट डन. अगर आप लोग इस वीडियो में आए, थैंक यू सो मच. एंड आई होप टू सी यू गाइस इन नेक्स्ट व्लॉग. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन, बाय बाय.